इन दोस्तों, धनतेरस और दिवाली की सह परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका साल बहुत अच्छा बीते, आपका काम दिन दूना रात चौगुना चले, अच्छा कारोबार हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में। उसमें क्वेश्चन काफ़ी हमारे भाइयों के आते हैं कि वो पिक्चर डालते हैं या पूछते हैं कि सर एक कपड़े से दूसरे कपड़े के ऊपर जो कलर चढ़ गया वो कैसे निकालें, या कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप की जो होती है, कि काफ़ी वीडियो बनाई हैं और उसमें हमारे 75% के आसपास जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो सक्सेस हो चुके हैं। वो जब बताते हैं कि सर हमने ये किया तो बहुत ही खुशी होती है। मेरा काम है कि आपको सफल होते हुए देखना, क्योंकि मैं कई बार गुस्सा भी करता हूँ, गुस्सा आता भी है, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और ये मेरा एक फर्ज भी बनता है कि अपने जो लोग हैं, अपने जो परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी क्षेम कुशल, उनके काम के विषय में जानना, क्योंकि जो चीज़ मैं बताता हूँ वो इसीलिए बताता हूँ कि आपके हित के लिए हो, कि आप टेंशन, जो टेंशन मैंने भुगती है, मैं जिस प्रॉब्लम से होकर गुजरा हूँ, आप उससे ना होकर गुजरें। आप अपने काम को बिल्कुल सुचारू रूप से अच्छी तरह सफलतापूर्वक करें और आराम से टेंशन फ्री होकर रहें, क्योंकि टेंशन देना लेना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि टेंशन फ्री रहना, अपने काम को एक सफलता के साथ में करना। तो जैसे मान लो किसी को बता भी दिया तो उससे भला होने वाला नहीं है, क्योंकि बीच में शॉर्टकट जो होता है, ये शॉर्टकट का कोई कहते हैं कोई बेनिफिट नहीं होता उसका, कि जब तक आपको प्रॉपर उसके विषय में ना पता हो, जब आपको एक मेथड समझ में आ जाएगा तो सब कुछ इजी लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, और सब कुछ आसान है। बाकी 5-7 दिन में जो लोग सिखाते हैं या सीखते हैं, सिखाने वाला धोखा दे रहा है और सीखने वाला धोखा खा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ें 5-7 दिन में नहीं सीखी जाती, और वो तो आप खुद ही जज कर सकते हैं, क्योंकि 5-7 दिन में आप क्या कर सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं फिलहाल, ड्राई क्लीन का काम कर रहे हैं 1-2 साल से या 6 महीने से भी कर रहे हैं, तो उनको इतनी नॉलेज तो अभी कौन सा केमिकल लगाने से कौन सा कपड़ा ख़राब हो सकता है, यानी रंगीन कपड़ों पे कौन सा केमिकल हमें यूज़ नहीं करना, वाइट कपड़े पे कौन सा केमिकल यूज़ करना है, तो इतनी नॉलेज तो होती है। उनको सलाह चाहिए होती है, और बाकी जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर को बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कहते हैं LKG से उनको लेके चलना पड़ेगा, नर्सरी से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि नींव जब मजबूत नहीं होगी, और जो मैं ये क्लीनिंग का जो विषय लेकर चलता हूँ वे विश्व स्तरीय है, कोई इस टाइप का नहीं है कि भी आप एक छोटे से गांव या कस्बे के अंदर या किसी शहर में है तो आपको कोई वहीं की बात, पूरे विश्व के अंदर किसी संसार के किसी भी कोने में चले जाओ कि विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, क्लॉथ ट्रेनिंग, यानी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग क्लॉथ क्लीनिंग का जो काम है वो आपको सिखाया जाएगा। वो सिखाने के लिए आप इसको ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, कोई ये नहीं ऑनलाइन सीखे ऑफलाइन सीखे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इजी तरीके से बताना, सरलता के साथ में बताना, उसको प्रैक्टिकल एक तरह का वीडियो से समझाना हर एक तरह, क्योंकि देखने से, करने से और बताने से, इनमें तीनों चीज़ों में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन जब आप खुद करते हैं या देखते हैं तो उसमें फ़र्क हो जाता है थोड़ा, कि समझ में आती हैं बातें। उसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी ब्लैंकेट वगैरह जो अभी सर्दी का मौसम आ गया है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहली बात होती है कि जो केमिकल होते हैं हमारे, केमिकल तो हमारे जैसे 15-16 केमिकल तो हमारे स्पॉटिंग के हो गए दाग निकालने के, कि जो किसी भी कपड़े से दाग निकालने के लिए हमें कौन सा केमिकल यूज़ करना है, और कौन से कपड़े पे कौन सी प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा केमिकल यूज़ करें, या किस केमिकल से कौन कौन से कपड़े पे हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और 40 के आसपास केमिकल होते हैं वॉशिंग के, यानी लॉन्ड्री के,
उसमें 5-6 केमिकल होते हैं हमारे ड्राई क्लीन के, जो कि पानी रहित होते हैं, जो खाली पेट्रोल प्रोडक्ट से होते हैं। तो उसका हमें पता होना चाहिए कि केमिकल का रखरखाव, वाशिंग कितनी होती है, 26-27 वाशिंग होती है, उसके विषय में आपको पूरा पता होना चाहिए। और ये इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मेरी जो डिक्शनरी है उसमें नो एक्सक्यूज़, यानी उसमें बहाना नाम की चीज़ नहीं है, ना नाम की चीज़ नहीं है, कि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है। अब मान लो किसी ईश्वर ना चाहे, ऊपर वाले ना चाहे कि एक्सीडेंट हो जाता, सब कुछ टूट फूट जाता है, लेकिन सिर बच जाता है, ये हिस्सा बच जाता है, तो इंसान को हम बचा सकते हैं। उसी तरह कपड़े का होता है कि कपड़ा कितना भी डैमेज हो जाए और कपड़ा बचा हुआ है, फट जाए तो बात दूसरी है, कपड़ा बचा हुआ तो हम उस कपड़े में कुछ भी लगाओ, कुछ भी, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जब हमें इसकी विधि पता लग जाती है। और ज़्यादा महंगे केमिकल जैसे मैं बताता हूँ, उसमें DKR, DKI या उसमें रेजिस्कोरेन या कोई भी केमिकल बताता हूँ, वो सिर्फ क्या है कि जो मैंने यूज़ किए वो होता है जो युद्ध स्तर पे, कि हमें 15,000-20,000 पीस यानी गारमेंट डेली के फिनिश करने हैं, वो भी 10-12 घंटे के अंदर तैयार करना, तो उसमें कोई एक्सपेरिमेंट या उसमें इस टाइप की चीज़ें नहीं होती। लेकिन आपके पास मान लो 500-600 कपड़े करने हैं, 500-600 कपड़े करने के लिए आपको 5-6 घंटे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 5-6 घंटे के अंदर आराम से तसल्ली के साथ में आप करके अपने घर पे आराम से, कहते हैं, सुख की नींद सो सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, और जो भी हमारे भाई जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ और उससे मेरा कोई कहते हैं भीड़ बढ़ाना मकसद ही नहीं है, कि आप लोग कम से कम, ज़्यादा को मैं ना तो सिखा सकूँगा और ना मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा भीड़ बढ़ाई जाए, कि आप सीखो और औरों को सिखाओ। लेकिन सिखाओ वही कि ये धोखेबाजी हो, ये ना कि 5 दिन में 7 दिन में, काफ़ी लोग ये दिखाते हैं कि आप मशीन ले लो, आप ये ले लो, आप वो ले लो। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि पहले घर बनाओ, अपना घरौंदा बनाओ पहले, कि जब हमें नॉलेज ही नहीं है तो भैया मशीन लेके क्या उस मशीन में चारपाई बिछानी है क्या? कि मशीनों का काम होता है कि काम की क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है तब हमें मशीनों की आवश्यकता होती है। जो घर में जो 7-8 kg की मशीन है उसमें हम 400-500 गारमेंट कर सकते हैं आराम के साथ में, लेकिन जैसे ब्लैंकेट वगैरह, कंबल वगैरह, उसके लिए हमें हाइड्रो की आवश्यकता होती है। उसमें ना तो हमें प्रेस की आवश्यकता है, ना मशीन की आवश्यकता। आप उसको कर सकते हैं, टब के अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन उसको निचोड़ने के लिए यानी स्पिन करने के लिए हाइड्रो चाहिए, बड़ा हाइड्रो चाहिए। बाकी जो इसमें ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उसके अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो इसका जो स्पेस काफ़ी होता है, आपका डबल बेड का, डबल प्लाई का जो कंबल है, ब्लैंकेट है, वो भी आ जाएगा। तो उसे वॉश करने का, कंबल के विषय में पूछा है तो भाई ने कि भी क्लीन कैसे किया जाए। सबसे पहले NID के सिवा कोई भी आपको केमिकल यूज़ नहीं करना रंगीन कपड़े के लिए, क्योंकि कपड़े रूखे क्यों हो जाते हैं, वाइट कपड़े या रंगीन कपड़े रूखे, भाई रूखे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये तो एक जो कहते हैं सोडे को ऐसे बना रखा है कि राष्ट्रीय एकता होगी, भाई इसको भर भर के डाले जाओ। सोडा यूज़ वहाँ होता है वाइट गारमेंट पे, वो भी सब पे नहीं होता, और वो भी क्वांटिटी में होता है, ये नहीं कि भर भर के डाल दिया। और जो इस टाइप के काम कर रहे हैं वो कपड़ों के दुश्मन है, और दुश्मन है वो अपने कस्टमर के भी। इसकी जगह मान लो कपड़ा ज़्यादा गंदा, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं अमोनिया लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, कि आप मान लो एक कंबल वॉश कर रहे हो, कंबल वॉश करने के लिए आपने मशीन के अंदर कर रहे हो या टब के अंदर कर रहे हो, टब में कर रहे हो तो पानी लो आप, जैसे आप बड़ा टब है उसके अंदर आपका 40-45 लीटर पानी आ जाता हो इस टाइप का, थोड़ा पानी गुनगुना कर लें हल्का सा गर्म, और उसके अंदर NID डालें, नोनानिक NID डालें, और उसके अंदर आप अमोनिया लिक्विड डालें, कि आपका 40 लीटर पानी है, 40 लीटर पानी के अंदर आपने उसमें 100 ग्राम NID डाला है, और उसके अंदर 100 ग्राम ही उसमें अमोनिया लिक्विड डालें, और उसका कपड़े को उसमें डाल के और पैरों से खुदाई कर दें उसकी, यानी उसे बोलते हैं लत्ती वाश। और मशीन में कर रहे हैं तो मशीन में भी यही आइडिया, मशीन में क्या कि आपका
मशीन में भी यही होता है कि इसको वॉश करें और 10 मिनट उसको चलाएं, और चलाने के बाद में उसको निकालें, निकालने के बाद उसको पानी में खंगालें, 2 बार पानी में खंगालें, तीसरी बार जो खंगलाई कर रहे हो वो एस्टिक एसिड में करें कि जितना भी एक्सेस जो केमिकल है वो निकल जाएगा। उसके बाद में आपको और ज़्यादा हैंडफिल देनी हो तो उस पर आप यूज क्या कर सकते हैं, शॉर्पनर, शॉर्पनर और सिलिकॉन अलग अलग होते हैं। सिलिकॉन होता है जो वो होता है वाटर कलर, और जो शॉर्पनर होता है वो हमारा क्रीम कलर में भी आता है, वाइट में भी आता है। वाइट में इसमें कैटोनिक शॉर्पनर आप यूज कर सकते हैं। और आपको कुछ भी नहीं मिलता तो आप 2 रुपए का पोच जो कंफर्ट का होता है वो ले सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट के में क्या है कि उसमें शॉर्पनर की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी कि आपको करना है तो दो पोच डाल लें उसमें, 2 रुपए का पोच आता है। इसके 5 केजी की पैकिंग भी आती है, छोटी पैकिंग भी आती है, क्योंकि इंडस्ट्री में तो हमारे बल्क क्वांटिटी में आता है, हम शॉर्पनर यूज़ करते हैं। बाकी ये एक स्मेल भी उसमें अच्छी, खुशबू भी होती है, कंफर्ट के अंदर आप यूज कर सकते हैं। मेरा ना केमिकल बेचने का ना उसका, क्योंकि पैसे कमाने का, धन कमाने का मेरा कोई इस टाइप का कोई जरिया ही नहीं होता। मेरा सिर्फ काम होता आपको एक सहूलियत देना, एक आपको एक ऐसा साधारण सा एक रास्ता बताना कि आप अपने काम को एक अच्छी तरह कर सकें। तो ये है, आप इसमें शॉर्पनर करें और शॉर्पनर में डिप करें, डिप करते साथ ही उसको हाइड करें और सुखा दें, ये इसका प्रोसीजर है। बाकी कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा दोस्तों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे वो जो पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करें, वो आइकन जो बेल है उसको भी आप पुश करें, क्योंकि वीडियो मेरी कंटिन्यू ऐसे आती रहती है सबसे पहले देखने के लिए। बाकी जो हमारे भाई हैं उसको इसको लाइक अवश्य करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। बाकी दिवाली के बाद में ये जो हम अपना जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम और अपना आईडी, अपना परिचय दें तो वो जुड़े और अपना काम करें, क्योंकि काम ये सदा चलने वाला है। जब तक इंसान है जब तक ये काम चलने वाला है, और गुमराह होने से बचें। वर्ल्ड क्लास की आपको यहाँ नॉलेज मिलेगी, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके आप इस काम को कर सकते हैं, और आपको हर एक चीज़, क्योंकि वीडियो इसमें बनाई है कि हर एक केमिकल के विषय में बताया, जैसे इसमें रसायन 40 केमिकलों का पूरा विवरण है, और विवरण शॉर्ट में होता है। वैसे बात करें किसी केमिकल के विषय में तो हमें 2-3 दिन चाहिए एक केमिकल को उसके विषय में बताने के लिए, लेकिन आपको जितना चाहिए उतना इसमें कहते हैं कि उतनी नॉलेज है उसमें। रसायन पुराण है उसमें काफ़ी विवरण दिया गया है केमिकल विषय में, और बाकी आपको जो भी आगे आवश्यकता होगी वो आपको बिल्कुल मिलेगी। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा, मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। दिवाली आपकी शुभ हो, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आप दिवाली मनाएं। बच्चों के बम पटाखे जब चलाते हैं तो साथ में रहें, क्योंकि ये सुरक्षा ही सबसे बड़ा एक साधन है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।